वो फेसबुक क्वीन कहलाती है। उसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है। उसे इलाके के लोग लेडी रॉबिन हुड भी कहते हैं। लेकिन उसका बस एक ही इरादा है, हर एक गरीब की मदद करना। शायद इसी जज्बे ने छत्तीसगढ़ पुलिस की एक महिला कांस्टेबल स्मिता तांडी को बना दिया सेलिब्रिटी। ये लक्ष्य है मेरा कि जो भी मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब मेरे से हेल्प मांगे मैं पूर्ण रीति से उनका हेल्प कर सकूँ। आप भी इस लेडी रॉबिनहुड की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हुजूर के जज्बे को सलाम करने लगेंगे। आपके सर भी इनकी ईमानदारी के आगे झुक जाएंगे और आपको भी इनकी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व होगा। लेकिन जिंदगी के जिन हालातों से ये महिला सिपाही उभरी है उनमें तो एक मजबूत आदमी भी टूट ही जाता है। लेकिन इसने अपनी तकलीफ को भी हथियार बनाया और आज बन गई मसीहा। जी हां, लेडी कांस्टेबल स्मिता तांडी ने फेसबुक पर सेलिब्रिटी का मुकाम हासिल किया है। उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। दिलचस्प यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ सीएम डॉक्टर रमन सिंह ही एक ऐसे शख्स हैं जिनकी फॉलोइंग इस कांस्टेबल से ज्यादा है। डॉक्टर रमन सिंह की फॉलोअर्स करीब 10 लाख की संख्या में हैं। फेसबुक में अभी मेरे फ्रेंड 4000 कुछ समथिंग है और फॉलोअर्स मेरे 7,27,000 कुछ हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर आम सिपाही की तरह दिखने वाली एक आम सी लड़की अचानक कैसे बन गई सेलिब्रिटी। कांस्टेबल स्मिता तांडी प्रदेश के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने लोकप्रिय हैं। ये पब्लिसिटी स्मिता ने फेसबुक पर अकाउंट बनाने के महज 20 महीने के अंदर हासिल कर दी। स्मिता ने 2011 में छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन की थी और अभी वो केवल 24 साल की हैं। फेसबुक पर इस तरह की पब्लिसिटी के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन स्मिता कहती हैं कि उनके फॉलोअर्स पेड नहीं हैं। उनका मानना है कि उनकी पोस्ट के अकाउंट की वजह से लोग उनसे जुड़ते हैं। स्मिता अपनी पोस्ट के जरिए जरूरतमंद लोगों की कहानी सामने लाती हैं और लोगों से मदद की अपील करती हैं। इसलिए एबी का कारण है ये है कि सोशल मीडिया काफी कम समय में कुछ भी बातों के लिए बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। इसी वजह से मैंने एबी अकाउंट बनाया और उसी के माध्यम से मैंने लोगों का मदद तो मतलब कम समय में बहुत काफी हद तक हेल्प की हूँ मैम। दरअसल कांस्टेबल स्मिता तांडी के पिता पुलिस में ही थे। तबीयत ठीक न होने के चलते उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था। साल 2013 में स्मिता के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्मिता उन दिनों पुलिस की ट्रेनिंग कर रही थी। पैसे के अभाव के कारण स्मिता के पिता शिव कुमार तांडी की मौत हो गई। पिता की मौत ने स्मिता को अंदर से झकझोर कर रख दिया। गरीबी और पैसे की कमी की वजह से पिता की मौत ने स्मिता को अंदर से झकझोर कर रख दिया। स्मिता ने उसी समय ठान लिया कि अब वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगी। चूँकि स्मिता ऐसा आसानी से नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जरिया बनाया फेसबुक को और फेसबुक के माध्यम से वो लोगों की मदद करने लगी। मैं ट्रेनिंग पीरियड पे थी पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं 12 जनवरी 2011 में ज्वाइनिंग करी। 2013 में मेरी ट्रेनिंग पीरियड हुई और उसी बीच मेरे पापा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम था और उनकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मतलब बाहर हमको रिफ़र कर दिए थे, बोल दिए थे कि मैम आप वहाँ कराइए ट्रीटमेंट करके, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाई, जिस वजह से पापा गुजर गए। और उस टाइम से मैंने ये ठाना कि हम जैसे कई लोग होंगे जो अपने फैमिली में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते होंगे और वो अपने फैमिली मेम्बर्स को खो देते होंगे, तो यही सोच के जो मेरे को गाइड नहीं मिला वो मैं दूसरे को गाइड करना चाहती हूँ। स्मिता जरूरतमंदों की फोटो खींचकर फेसबुक में डाल देती हैं, जिसके बाद उनके फॉलोअर्स मदद के लिए आगे आते हैं। स्मिता के 7 लाख से ज्यादा फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं। स्मिता को फेसबुक पर कई बार लोग भला बुरा भी लिख देते हैं, लेकिन स्मिता उसका बुरा नहीं मानती। स्मिता का कहना है कि उन्हें तो इस बात पर गर्व होता है कि वो जिस तरह से जरूरतमंद और गरीबों की मदद कर रही है, इसमें लोग उनका साथ दे रहे हैं। स्मिता कहती हैं कि कई बार उनके स्टाफ के लोग उन पर तंज कसते हैं कि ड्यूटी छोड़कर वो फेसबुक पर लगी रहती हैं, लेकिन स्मिता हर बार लोगों को ये कहकर शांत कर देती हैं कि वो अपना निजी समय निकालकर लोगों की मदद करती हैं, न कि ड्यूटी टाइम पर। स्मिता के पास अब लोग अपनी समस्या लेकर पहुँचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जिनकी मदद करना है उनके पास बैंक खाता तक नहीं होता। ऐसे में स्मिता पैसे देने लोगों के पास जाती है और पैसा लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाती हैं। अब पैसा देने वाले लोग भी स्मिता पर पूरा भरोसा करने लगे हैं। फेसबुक के माध्यम से लोगों की मदद करने के बाद अब स्मिता को लोग भगवान जैसा मानने लगे हैं। चाहे मेरे को कोई भी पेशेंट मिलता है उनकी हेल्प करती हूँ, मेरे को या न्यूज़ से या किसी के थ्रू पता चलता है कि पेशेंट यहाँ एडमिट है, मैं उनके पास अपना पर्सनल टाइम निकाल के जाती हूँ, उनसे डिटेल लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेती हूँ और उसके बाद मैं एक मैसेज अपडेट करती हूँ अपने ऐप में। स्मिता लोगों के पास जब कभी जाती हैं जिनकी उन्होंने मदद की है तो वहाँ स्मिता का बहुत सम्मान होता है। एक ऐसी ही कहानी हम आपको बताते हैं जो दुर्ग में रहने वाली प्रिया शुक्ला की है। प्रिया शुक्ला खाना बनाते समय 75% जल गई थी। प्रिया के पिता ने स्मिता के बारे में पता किया। स्मिता को जब प्रिया के पिता ने अपनी बेटी के जलने की बात बताई तो अस्पताल पहुँच गई और प्रिया की फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद प्रिया की मदद हुई और अब प्रिया एकदम ठीक है। प्रिया के पिता कहते हैं कि अगर स्मिता ने मदद न की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा न होती। वहीं प्रिया तो स्मिता को अपने लिए भगवान मानती है। पुलिस वाली होके मतलब ऐसा हेल्प कर रही है, क्योंकि आज की डेट में मतलब जो मानसिक जनता का जो सोच है नकारात्मक है पुलिस वाले के प्रति, और मैं ऐसा कर रही हूँ करके उनकी जो सोच है सकारात्मक होते गई और लोग मुझसे जुड़ते गए और मैं काफ़ी मतलब उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़ते गए और मेरा कोई भी मैसेज को अपडेट करने से पहले उन लोग मेरा साथ सपोर्ट करते हैं। और मैं अभी ये लक्ष्य है मेरा कि जो भी मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब मेरे से हेल्प मांगे मैं पूर्ण रीति से उनका हेल्प कर सकूँ। स्मिता कहती हैं कि शुरुआत में लोग उनकी पोस्ट पर उतना ध्यान नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा। करीब 1 महीने बाद रिस्पांस मिलना शुरू हो गया। स्मिता का कहना है कि शायद शुरू में लोग उसे फर्जी मानते थे। सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद की अपील करने वालों की भरमार है और उनमें काफी संख्या में फर्जी लोग भी हैं। फिर भी स्मिता की पोस्ट पर लोगों का भरोसा इतना मजबूत कैसे है, इसका तर्क स्मिता के पास मौजूद है। उनके मुताबिक जब भी उन्हें पता चलता है कि भिलाई, रायपुर या आसपास के इलाके में किसी को इलाज में मदद की जरूरत है तो वो वक्त निकालकर खुद उनके पास जाती हैं, सारी जानकारी इकट्ठा करती हैं, उन्हें वेरीफाइड करती हैं। उसके बाद वो फेसबुक पर मदद की अपील करते हुए पोस्ट डालती हैं। वो अब तक अस्पताल के बिल भरने में असमर्थ 25 गरीब लोगों की मदद कर चुकी हैं। फेसबुक के जरिए वो सैकड़ों लोगों तक मदद पहुंचा भी चुकी हैं। पुलिस की तरफ से एक अच्छा योगदान है सोशल मीडिया पे आम जनता के लिए, जिसे हमने प्रोत्साहित करने के लिए उसे लाइक किया और सहयोग दिया। ये एक अच्छा मैसेज जाता है और एक हेल्प हो जाती है जनता की, आम जनता की, इसलिए मैंने इस पेज को लाइक किया है और यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आपको स्मिता के एक राज के बारे में बताते हैं जिससे शायद स्मिता के 7 लाख फॉलोअर्स भी अनजान होंगे। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि स्मिता जुड़वा बहन है। दोनों बहनें पुलिस सेवा में ही हैं और दिखने में एक जैसी हैं। चूंकि स्मिता फेसबुक में काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें सब जानते हैं, ऐसे में स्मिता की जुड़वा बहन स्वाति की भी परेशानी बढ़ गई है। अब लोग स्वाति को स्मिता समझकर अपनी परेशानी बताने लगे हैं। स्मिता और स्वाति दोनों कहती हैं एक जैसा चेहरा होने के कारण बाजार में, विभाग में और जरूरतमंदों के बीच अब लोग स्वाति को स्मिता समझकर अपनी परेशानी बताने लगे। स्वाति भी लोगों को मना नहीं करती, वो लोगों की समस्या सुनती हैं और घर आकर स्मिता को बताती हैं। स्मिता के फेसबुक में लोगों की मदद करने की वजह से पुलिस विभाग ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। स्मिता महिला हेल्पलाइन की इंचार्ज है। दुर्ग रेंज के आईजी दीपांशु काबरा कहते हैं कि स्मिता के ज्यादातर फेसबुक पोस्ट जरूरतमंदों के लिए होते हैं और काफी इमोशनल हो, इसी वजह से उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। स्मिता दुर्ग में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है, साथ ही वो स्टेट वॉलीबॉल टीम की मेंबर भी हैं। बस मानवता के नाते, इंसानियत के नाते एक भावनाएं होती है मन में कि यदि हमारे साथ होता है या हमारे परिवार के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ यदि कोई घटना होती है तो हम उसके लिए कैसा करते हैं, बस यही फील करते हुए फिर वो करती है आगे काम और हम सभी करते हैं। इनका जो कार्य है बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। स्मिता तांडी का कार्य गरीबों की मदद करती है और वैसे भी नॉर्मली कोई भी यदि शिकायतें आती हैं हमारे ऑफिस में तो उनको बहुत ध्यान से सुनती है और बहुत अच्छे से उनको फिर आगे हमारे अधिकारियों तक और हम तक पहुँचाती है। और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको हम सब ने लाइक किया है। कहते हैं मदद करना एक पाक काम है और अगर आपके पास नेक नीयत है तो फिर साधन हो या ना हो, आपको गरीबों की मदद करने का रास्ता शायद खुदा भी दिखा देता है। अपनी मशगूल जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालकर स्मिता ने जिस नेक काम को परवान चढ़ाया है उसके लिए हर एक इंसान ये दुआ करता है कि रोजाना स्मिता ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद का जरिया बने। दुर्ग से विजय ठाकुर, इंडिया 24/7।